चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ग्वालियर जिले में मादा चीता का ग्वालियर वन रेंज में लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। दरअसल श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के जंगल से बाहर निकलकर मादा चीता वीरा लगातार अपने टेरिटरी बदल रही है। उसे मैदानी इलाकों का घास से भरा जंगल बहुत रास आ रहा है। यही वजह है कि मादा चीता वीरा ग्वालियर के मोहना फॉरेस्ट रेंज के आसपास लगातार अपना मूवमेंट बनाए हुए है। जानकारी के अनुसार मादा चीता वीरा अब तक 3 बकरियों का शिकार कर चुकी है। उसे यहाँ आसानी से अपना शिकार मिल रहा है, इसलिए वह कूनो अभ्यारण्य की तरफ वापस नहीं लौट रही है। गांव वालों को जो है दूरी बना के रखने के लिए यानी कि बोला गया है, और साथ में ये भी ये कहा गया है कि जब कभी इस टाइप से घटना होती है तो तुरंत उनको मुआवजा देने का भी प्रावधान है। तो डायरेक्ट केस भी यानी कि दिया जा रहा है, तो जो कि शासन की योजना के अंदर ही है।